मैंने भी आपको बताया था कि ऑक्टेन इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। ये जो सब्सटेंस मैंने, अगर तो ये लाइट रोटेट हो गई है, अगर तो ये लाइट पहले एक्स एक्सिस पे थी, अब ये क्या हो चुकी है, कुछ एंगल से रोटेट हो चुकी है, वो इस फिनोमेनन का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये रोटेट क्यों हुई, इस सब्सटेंस की वजह से जो मैंने पोलारिमीटर ट्यूब में भरा था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिया था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने नाम दिया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कैसे पता लगेगा कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कैसे पता लगेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि आपको पेपर में दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे, आपको पेपर में दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ये क्वेश्चन है इन बिटवीन, क्या क्वेश्चन है, इन बिटवीन टू मिथाइल ब्यूटेन इन बिटवीन टू मिथाइल ब्यूटेन एंड टू मिथाइल सॉरी मैंने यहां मिथाइल लिख दिया गलती से, यहां आएगा टू ब्रोमो ब्यूटेन, इन बिटवीन टू ब्रोमो ब्यूटेन एंड टू ब्रोमो प्रोपेन, इन बिटवीन टू ब्रोमो ब्यूटेन एंड टू ब्रोमो प्रोपेन विच इज ऑप्टिकल एक्टिव एंड वाई, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से नजरें अपनी व्हाइट बोर्ड पर रखिए, कार्बन कितने कार्बन, ब्यूट मतलब ब्यूट का मतलब क्या होता है, सारे बोलेंगे एक बार से ब्यूट का मतलब क्या होता है, फोर कार्बन, इसमें कंपाउंड में कितने कार्बन है, फोर कार्बन, वन टू थ्री फोर, एन एन का मतलब क्या होता है, सारे बोलेंगे एन का मतलब क्या होता है, मैंने इसमें कैसा बोर्ड लगा दिया, सिंगल बोर्ड लगा दिया। अब इसको पोजीशन देंगे वन टू थ्री फोर, पोजीशन क्या देंगे, फोर पोजीशन दे दी इसको। नाउ थिंक लिटिल बिट, सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है, ब्रोमो, आपको आप इसकी क्या करना है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर, ये कितने बोर्ड बना रहा है, एक, तो एच कितने आएंगे, तीन, एच कितने आएंगे, तीन, ये कार्बन कितने बोर्ड बना रहा है, ये कार्बन एक दो तीन बोर्ड बना रहा है, तो एच कितने आएंगे, एक, ये कार्बन कितने बोर्ड बना रहा है, दो, तो एच कितने आएंगे, ये कार्बन कितने बोर्ड बना रहा है, एक, एच कितने आएंगे, अब ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूं, ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, कैसे पता लगेगा, आपको साफ पता लग रहा है हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लग रहा है उसको ओपन कर दीजिए, एक बार इस एच को एक बार ओपन करके देखिए, इस कार्बन के अगर तो पूरे कंपाउंड में कोई कार्बन ऐसा है, अगर तो पूरे कंपाउंड में कोई कार्बन ऐसा है जिसके चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, अगर पूरे कंपाउंड में कोई कार्बन ऐसा है जिसके चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, तो उस कार्बन का नाम होगा काइरल कार्बन, उस कार्बन का नाम होगा काइरल कार्बन, कुछ बच्चे इसे कायर बोलते हैं, कायर है, इसके चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, आपके सामने ये मिथाइल क्या है, अलग, ब्रोमीन क्या है, अलग, एच क्या है, अलग, और ये क्या है, इथाइल, आपके सामने CH3 CH2 क्या होता है, इथाइल, ये चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है, इस कार्बन का नाम है काइरल कार्बन, अगर किसी कंपाउंड में काइरल कार्बन है तो इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। अब अगला मैंने जो कंपाउंड दिया था टू ब्रोमो प्रोपेन, ध्यान से देखिएगा टू ब्रोमो प्रोपेन, अगला जो मैंने कंपाउंड दिया था टू ब्रोमो प्रोपेन, तो टू ब्रोमो प्रोपेन यहां पर आप देखिएगा एक दो तीन, प्रोप मींस थ्री कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अब आपको पता है नंबरिंग देने का टाइम है वन टू थ्री, थ्री कार्बन आर देयर, नाउ व्हाट इज द सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है, ब्रोमो, सेकंड पे क्या लग रहा है, ब्रोमो, नाउ नॉट टाइम टू बैलेंस इट, यहां पर कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड है, एच कितने आएंगे, थ्री,
यहां पर आज कितने आएगा एक, यहां पर आज कितने आएंगे हैलोजन जिस कार्बन से लग रहा है, ये हैलोजन जिस कार्बन से लग रहा है, ये हैलोजन जिस कार्बन से लग रहा है, इस कार्बन पे देखिए क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है। आप कहेंगे ये मिथाइल अलग है, ये एच अलग है, ब्रोमीन अलग है, तीन ग्रुप डिफरेंट है, मिथाइल अलग है, ब्रोमीन अलग है, एच अलग है, लेकिन फिर से क्या आ गया CH3, क्या ये अलग है? नहीं, चार ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो मतलब कि ये कार्बन अकायरल है, ये कैसा है अकायरल, कुछ बच्चे इसे बोलते हैं नॉन कायरल, जो कि बिल्कुल गलत है, इसका नाम है कायरल, ये कायरल कार्बन है, और ये कहना एक कायरल, कायरल कार्बन वो होता है, कायरल कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन के चारों ग्रुप कैसे होते हैं डिफरेंट, ये कौन सा था एक कायरल, एक कायरल में ये इसके चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होते, या तो चारों सेम होंगे या कोई से दो सेम होंगे या कोई से तीन सेम होंगे, तो ये अकायरल। तो जो कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकल एक्टिव, अदरवाइज वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास है वो है इनेंशियोमेरिज्म, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरे पास इनेंशियोमेरिज्म, तो ये ध्यान से देखेगा इनेंशियोमेरिज्म क्या होता है। इनेंशियोमेरिज्म अभी मैंने आपको जो बोला था उसी को एक बार दोबारा से देखते हैं, इनेंशियोमर्स या इनेंशियोमेरिज्म। मैंने ये लगा दिया मिरर, क्या लगा दिया मैंने मिरर, क्या है ये मिरर मैंने लगा दिया। वीडियो को ना देखते टाइम ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बाकियों का फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सामने वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, लेकिन आप लोग खुद वीडियो देख लेते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए टॉपिक पे लौट के आते हैं, इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमर। मैंने वही एग्जाम्पल लिया फिर से, टू ब्रोमो ब्यूटेन, क्या एग्जाम्पल है टू ब्रोमो, आपके सामने मैं फिर से बनाऊंगा, देखो कार्बन एक दो तीन चार, कार्बन एक दो तीन, तो हमारे पास था टू ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूट मतलब की, ब्यूट मतलब की कितने कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन, एक दो तीन चार, आई हैव हाउ मेनी कार्बन, फोर कार्बन, एन, एन मतलब की सिंगल बॉन्ड, टू पे क्या लगाना मुझे ब्रोमीन, टू पे क्या लगाना मुझे ब्रोमीन, यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे थ्री हाइड्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे वन, यहां पर कितने आएंगे टू, टू ब्रोमो ब्यूटेन बनाया, इसकी मुझे क्या बनानी है मिरर इमेज बनानी है। देखिए मिथाइल पहले क्या आएगा, मिथाइल फिर क्या आएगा कार्बन, उसके बाद क्या आएगा सी एच टू, उसके बाद क्या आएगा सी एच थ्री, उसके ऊपर क्या लग रहा ब्रोमीन और ये एच, ये जो दोनों पेयर मिले हैं ये कंपाउंड असली और इसकी मिरर इमेज, ये असली कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज, इन दोनों को इकट्ठे एक ही नाम बोलते हैं इनेंशियोमर, क्या बोलते हैं इन्हें इनेंशियोमर, और इस फिनोमेना का नाम है इनेंशियोमेरिज्म, कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है वो और उसकी मिरर इमेज, वो और उसकी मिरर इमेज को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म, क्या बोलते हैं उसे इनेंशियोमेरिज्म। तो आई होप आपने इस वीडियो को और इस टॉपिक को अच्छे से किया होगा, हर बार की तरह मैं बोलता हूँ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोले, हर बच्चे को बोले, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को सेंड करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय माता दी।